हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना गोरी। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वास्तु एक विज्ञान है। जैसे छोटी सी घटना, व्यक्ति या समय आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, वैसे ही वास्तु के अनुसार किया गया हुआ बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। वास्तु पॉजिटिव एनर्जी को आमंत्रित करता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर ले जाता है। घर में उसकी एनर्जी होती है और घर में रहने वाले लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। अगर आपने हमारी दी गई टिप्स में से एक या दो भी परिवर्तन कर लिए तो यकीन मानिए आपके घर का और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और 2020 का साल आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। पहले हम बात करेंगे आपके घर के मुख्य दरवाजे के बारे में। अगर आपके घर का दरवाजा पश्चिम में या फिर दक्षिण में है तो वहां से नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है, इसीलिए आपको अपना दरवाजा बदलवाना होगा। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो आप अपने दरवाजे के ऊपर अपने धर्म की टाइल्स या फोटो लगा सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी चीज है घर का रंग। हम जिस घर में रहते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, उसी तरह घर के रंग का भी प्रभाव या दुष्प्रभाव हम पर पड़ता है। इसीलिए घर का रंग अच्छा हो तो हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए आपके घर में रंग वास्तु के अनुसार करवाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो रंगों के बारे में ही है, इसीलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी भी मिल सके। तीसरी चीज है घर में टूटी फूटी या फिर बिन उपयोगी चीजें। घर में टूटी फूटी या खराब या ऐसी चीज जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीजें घर में नकारात्मकता लाती है, इसीलिए इन्हें कबाड़े में देकर अपने घर को नेगेटिविटी से मुक्त कीजिए। ऐसी चीजें घर में लोगों को तनाव और टेंशन देती है। और हाँ, आपके बेड या तिजोरी में फिजूल चीजें हैं तो उनका भी निकाल जल्द से जल्द कीजिए। चौथी चीज है डोरबेल या घड़ी का संगीत। आपकी घड़ी में संगीत बजता हो तो वो बहुत ही शांत होना चाहिए, वह बहुत ही तेज या बहुत ही धीमा नहीं होना चाहिए। आपकी डोरबेल का म्यूजिक भी मधुर होना चाहिए। डोरबेल और घड़ी का म्यूजिक तेज और तीव्र ना रखे। और पांचवी चीज है पौधे। घर में फूल वाले पौधे रख सकते हैं, लेकिन जिन पौधों में कांटे लगे हो या दूध निकलता हो वैसे पौधे घर में ना रखें। और छठी चीज है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में आते ही प्रवेश द्वार के सामने रखने से घर में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और नेगेटिविटी कम हो जाती है, इसीलिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर के प्रवेश द्वार के सामने रखें। लेकिन इस मूर्ति को ऊंचाई पर रखनी है और इसे आदर और सम्मान देना। इसके अलावा सातवीं चीज है मछली घर और कछुआ। इसके बारे में आपको हमारी डिटेल में बनाई हुई वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपसे हो सके तो इन सात चीजों में से पॉसिबल हो उतनी चीजों में बदलाव लाइए, 2020 का साल आपके लिए खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.ishanguruvastu.com पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी खुशहाल जिंदगी और तरक्की की कामना करते हुए इस वीडियो को पूर्ण करते हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।